बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आज टिफिन पर चर्चा करेंगे, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा होगी। इसके अलावा G20 के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जो G20 यानी 20 देशों के जो प्रतिनिधि आएंगे उनसे मुलाकात करेंगे और उनके साथ शाम को डिनर भी रहेगा। सरकार के कई मंत्री भी इस डिनर में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी भी पहुंच रहे हैं क्योंकि आज मेहमान नवाजी के लिए तैयार है वाराणसी और वहां पर खास तैयारी की गई है। और आपको बता दें, वेलकम डिनर, जिस तरह हमारे सहयोगी जयपाल जानकारी दे रहे थे कि वेलकम डिनर होगा और इसमें सीएम योगी होंगे और G20 के जो प्रतिनिधि हैं, देशों के प्रतिनिधि हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। जयपाल हमारे साथ लगातार अपडेट के लिए आज साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, सीएम योगी भी पहुंचेंगे, 12 बजे के पहुंचने कार्यक्रम है, पहले वो टिफिन चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, इसके अलावा G20 के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे और डिनर में भी शामिल होंगे, क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल बिल्कुल जेपी, देखिए जो सुबह 11:35 पर सीएम योगी यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उससे हेलीपैड के जरिए जो है वो वाराणसी के सर्किट हाउस पर आएंगे और वहीं से एक बैठक होगी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, जिसे टिफिन बैठक कहा जा रहा है। और इसी टिफिन बैठक में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अपने घर से बने हुए व्यंजन लाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कार्यकर्ता अपने घरों का जो सामान है वो लाएं और उसके बाद वो उसे खाकर संगठन के लिए काम करें। तो इसमें संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच जो परस्पर संबंध है वो भी बना रहेगा और इसी बहाने जो है तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे से परिचित भी होंगे, एक दूसरे के टिफिन भी शेयर करेंगे। और उसी सिलसिले में आज सीएम योगी जब इस डेलीगेशन का जो G20 के डेलीगेशन है उनके स्वागत में आ रहे हैं, तो एक बैठक जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी है। मैसेज साफ है, 2024 में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, टिफिन बैठक के जरिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को साधने की कवायद है। इसके साथ ही उन्हें तैयार रहने और तमाम वो दिशा निर्देश की हर महीने हमने देखा कि टिफिन बैठक में किस तरीके से जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, डे बाय डे का प्रोग्राम होता है, वो तय किया गया है। यानी आप सोचिए, एक महीने का काका बीजेपी 2024 को जीतने का जो शुरुआत है वो हो चुकी है। जयपाल, आप बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी देने के लिए।